हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर आप मान के चलो हमारा पास कोई काम लिया है तो हम क्या आपका नौकर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे NSDL पैन कार्ड एजेंसी के ऊपर। बहुत सारा भाई लोग मेरे को बहुत तरफ से कमेंट कर रहा है, बहुत सारा भाई लोग ऐसा भी बोल रहा है, लेकिन हम लोग बात करने वाला है इस वीडियो में, अगर आप लोग NSDL पैन पोर्टल लेता है तो यहाँ पर आपको क्या सुविधा मिलेगा और क्या आपको नुकसान मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो बनने का मेरा मकसद यही है, अगर आप लोग NSDL का पैम पोर्टल लेना चाहता है तो आपको इसके लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप लोग मान के चलो CSC कॉमन सर्विस सेंटर से यूज़ कर रहा है तो आपको इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसा एक प्लेटफॉर्म जिसमें आपको मोबाइल से भी करना पड़ेगा और आप मोबाइल ऐप से भी कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत सारा भाई लोग मेरे को उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, भाई आप जो बोल रहे हैं चुपके बोल रहे हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हम मोबाइल में यूज़ नहीं कर पा रहे, मशीन रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रहा है, हम रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन हमारा काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा दोस्तों सिस्टम नहीं है, ठीक है। देखो, मेरा सिस्टम ऐसा है, देखो मैं आप लोगों को जब आईडी दूंगा तो आपका मैं बात सुनूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो आप मेरे को जो कुछ बोलेगा तो मैं आपका बात ऐसा सुनूँ, ठीक है। ऐसा कोई रूल्स नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे, अगर आप मान के चलो मेरा पास NSDL का ब्रांच कोड लेना चाहता है तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर मान के चलो मेरा पास NSDL का ब्रांच कोड लिएगा तो आपको क्या करना है, मैं इस वीडियो के माध्यम से तो सैंपल बताऊंगा, आप इस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। और दोस्तों, अगर मान के चलो आपको विश्वास है जो भाई इसका पास लेके NSDL का ब्रांच कोड लेके मेरे को कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बोलेंगे, अगर आप लोग मेरा पास ब्रांच कोड लेना चाहता है NSDL का, तो NSDL का दोस्तों यही होता है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देना है, जैसे कि मेरा सिस्टम में ये है, आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि हमारा चैनल आप लोगों को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट के बारे में बोले, अगर कोई दूसरा कंपनी के बारे में बोले, बहुत सारा हम लोग सिस्टम के बारे में बोलता है। तो आज जो टॉपिक उड़ा था, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, अगर आप जो NSDL के ब्रांच कोड है दोस्तों, अगर आप लोग लेना चाहते हैं ब्रांच कोड तो कैसे मिलेगा। आप दोस्तों मेरे को, मैं अभी बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ हिंदी में, लेकिन मैं हिंदी एक्चुअली नहीं हूँ, मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट है मालदा डिस्ट्रिक्ट है और मैं एक्चुअली बेंगोली हूँ, ठीक हो। तो अभी मैं आपको बताएंगे इस NSDL में क्या क्या आपको सुविधा मिलेगा अगर आप हमारा पास NSDL का ब्रांच कोड लेता है। दोस्तों यहाँ पे ब्रांच कोड लेने से लिए दोस्तों आपको कुछ सिस्टम मिलता है, जैसे कि अगर मान के चलो हम कोई सिस्टम का बात बोले, जो इस आईडी लेने के लिए आपको कितना चार्जेस होगा, इस आईडी को आपको कितना टाइम एक्टिवेशन होने के लिए लगेगा। तो दोस्तों ये सर्विस एक्टिवेशन होने के लिए मिनिमम आपको मैक्सिमम टाइम आपको लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मेरा सिस्टम का मैं बारे में बोलूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर मान के झूठ बोल दूँ तो ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों, झूठ बोल के फायदा नहीं है, झूठ बोलेंगे तो हमारा ही नुकसान है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको चार्जेस लगने वाला है सिर्फ 1450 रुपया, और आपको वन टाइम पे करना है और बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट नहीं करना है, और बाद में दोस्तों आपको पेमेंट करना है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। दोस्तों मैं आप लोगों को साफ साफ बता रहा हूँ, यहाँ पे दो कंडीशन आपका है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना है, बाद में दोस्तों आप एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 600 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, वो 600 रुपये जो आपको एक्स्ट्रा लगेगा दोस्तों वो आईडी एक्टिवेशन करने के लिए, ठीक है ना। बोल रहे हैं भाई मैं आपको पैसा दे दिया हूँ ऑलरेडी, बाद में आप मेरे को क्यों पैसा मांग रहे हैं, डीमैट अकाउंट क्यों खोलना है। दोस्तों डीमैट अकाउंट आपको एक बार पे करना है, बार बार आपको नहीं करना है, क्योंकि डीमैट अकाउंट इसीलिए करना है आपका जो ब्रांच कोड है दोस्तों एक्टिवेशन रखने के लिए, ठीक है ना। ये दोस्तों मेरा सिस्टम में नहीं है दोस्तों, जिसका पास अब NSDL का ब्रांच कोड लेगा सब भी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए सिस्टम बताएगा, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों 600 रुपये लगता है एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूटर को पे करना है दोस्तों। मान के चलो मैं आप लोगों को 1450 रुपये बताऊँ, आप मेरे को 1400 रुपये देगा तब भी चलेगा, लेकिन दोस्तों को डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको आपको बोरा बोर 600 रुपये देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है। ये NSDL को पे करना है, मेरे को नहीं करना है। आप दोस्तों इस आईडी एक्टिवेशन होने का टाइम मैं आप लोगों को बोलने के लिए कोशिश करेंगे, इस आईडी एक्टिवेशन टाइम होता है मिनिमम 7 से 10 दिन लगता है, ठीक है दोस्तों। अगर मान के चलो आज आप एक्टिवेशन करने के लिए दिया है तो मिनिमम दोस्तों 7 दिन लगेगा, नहीं तो दोस्तों आपको 10 दिन लगेगा। बहुत सारा भाई लोग बोल रहे हैं भाई मेरा तो 4 दिन हो गया, अभी तक मेरे को आईडी नहीं मिला है, तो क्यों नहीं मिला है ऐसा। तो आप लोग का बहुत सारा भाई लोग मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि अभी दोस्तों मेरा 100+ मेरा रिटेलर हो चुका है, NSDL में 100+ कस्टमर हो चुका है, काम भी कर रहा है ऑलरेडी, और करने दो, मैं आप लोग को और सपोर्ट करूंगा, जितना काम करेगा उतना हमारा भी फायदा है, जितना पैन कार्ड रेडी होगा उतना हमारा सिस्टम में, जैसे कि हम मान के चलो बताए जो अगर मान के चलो आप लोग देख रहे हैं NSDL पोर्टल मान के चलो गूगल में सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, NSDL में जितना भी बोलो तो मेरा आर्टिकल है ना वहाँ पे लिस्ट आ रहा है, ठीक है। NSDL में आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, जैसे कि मान के चलो हम अगर NSDL से पैन कार्ड बनाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमको मिनिमम 10 आधा घंटा लगता है मिनिमम एक्टिवेशन ई पैन कार्ड आने के लिए ईमेल में,
और आपको आधा घंटा में क्या होगा, आपका जो ईमेल होता है दोस्तों वहाँ पे पैन कार्ड आ जाएगा। कोई भी अभी तक नहीं दे पाएगा, बहुत सारा कंपनी में देखा हूँ लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जो आपको मिला है, ठीक है। NSDL का तरफ से दोस्तों सिर्फ जो हमारा कंपनी है इसी कंपनी में मेरा हिसाब से दोस्तों शो किया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम आधा घंटा में दोस्तों ई पैन कार्ड कस्टमर को दे सकती है, वो आपको ईमेल आईडी में आपको मिल जाएगा और काम भी कर सकती है इंस्टेंट, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि आपको बता हो रहा है हमारा यूट्यूब चैनल आप लोगों को हर तरह का सपोर्ट करेगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना है, फिर मिलेंगे कुछ नया कोर्स लेके। तो बाय।